संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें अध्यक्ष महोदय। पूरी पार्टी भाव से चलने दे रही है। जम्मू और कश्मीर संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस बार मुद्दा उठा राहुल गांधी का लंदन में दिया गया बयान। बयान को लेकर मचे हंगामे की वजह से सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पहले 2 बजे के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया, जिसके बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी सांसदों ने अपनी अपनी सीटों पर खड़े होकर राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ अडानी मसले पर जेपीसी की मांग करते हुए विपक्षी दलों के सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। सभी के लिए स्वीकार्य है। पक्ष और विपक्ष की ओर से हो रही नारेबाजी को देखते हुए सदन को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन स्थगित होते ही कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, सदन फिर स्थगित। विपक्ष की यही मांग है कि सदन में अडानी मामले पर चर्चा हो, इस महा घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनाई जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इससे भाग रही है और उनके परम मित्र को बचाने के लिए सदन स्थगित करा रही है। इसी के साथ ट्वीट में लिखा गया, मोदी जी भागिए मत, जवाब दीजिए, देश की जनता जवाब चाहती है। जानबूझकर अध्ययन करवाया गया, क्योंकि सरकार परेशान थी, डरी हुई है कि विपक्ष की ओर से एक होकर एकजुट होकर हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी महा घोटाले के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं सीधे तरीके से, उसके बारे में वो चर्चा नहीं चाहते, जेपीसी की मांग हमें उठाना भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सब एक प्लान था, एक रणनीति थी लोकसभा में और राज्यसभा में, मंत्री उठे और माफ़ी मांगो का नारा लगाया। माफ़ी किस पर? राहुल जी ने क्या कहा बाहर देश विदेश में जो यहाँ नहीं कहा है, और जो कुछ झूठ तो नहीं बोला उन्होंने, वो वास्तविकता कहा है, जो वास्तविक है, जो हकीकत है, उन्होंने ये कहा है। तो माफ़ी किसी बात के लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब एक रणनीति कि पहले दिन हम आए हैं और हम चलाने नहीं देंगे लोकसभा को राज्यसभा को, ऐसा हो रहा है। देखिए शोर कौन मचा रहा है? विपक्ष नहीं मचा रही, सत्ता पक्ष मचा रही है शोर लोकसभा में और राज्यसभा में, क्योंकि वो डरी हुई है, वो नहीं चाहती। विपक्ष एक है, एक आवाज़ से हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से संबंधित अडानी महा घोटाले पर जेपीसी की जांच होनी चाहिए, सरकार नहीं चाहती है। तो ये एक नया बहाना ढूंढने ढूंढ के